હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરવામાં આવે તો લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટેડિયમમાં બીજી સેમિફાઇનલ બુધવારના રોજ ગુજરાત જાયન્ટ અને ઇન્ડિયન કેપિટલ વચ્ચે રમાઈ હતી અને જેમાં મોટી સંખ્યામાં સુરતી લાલાઓ આ મેચ જોવા માટે આવ્યા હતા અને જ્યાં લેજેન્ડ લિંગ ક્રિકેટના સીઈઓએ લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટેડિયમમાં યોજાયેલી મેચ બાબતે સંપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. આવો સાંભળીએ. तुरंत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ा इतना प्यार हम लोगों को मिल रहा है. सभी क्रिकेटर्स जो यहाँ पर खेल रहे हैं उन सब की तरफ से शुक्रिया करता हूँ. बहुत इम्प्रेसिव क्राउड है. हम लोगों का ये पांचवा और आखिरी पड़ाव है. हम लोगों ने शुरुआत करी थी रांची से, फिर हम लोग पहुँचे देहरादून, फिर उसके बाद हम लोग जम्मू गए, जम्मू वाइजैक करके हम लोग यहाँ पर सूरत पहुँचे हैं. और जो जनता का प्यार हमें यहाँ मिल रहा है वो शायद पहले किसी और शहर में नहीं मिला. हम बहुत मज़ा आ रहा है. जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो बोल रहे हैं अभी तक कि जितने मैचेस खेले हैं बेस्ट पिच मिल रही है, क्योंकि T20 का गेम नेचर ही ऐसा है कि हाई स्कोरिंग मैच जब तक नहीं होता मज़ा नहीं आता. तो कल भी 250 रन बने थे और दूसरी टीम भी अनफॉर्चुनेटली पहले विकेट गिर गई थी, नहीं तो वो भी स्कोर टोटल होता. आज आप देख सकते हैं कि मैच बड़ा कम्पिटिटिव होगा. बिल्कुल, बहुत अच्छा विकेट है तो 200 के पार का ये स्कोर अच्छा है और मुझे लगता है दूसरी इनिंग में भी यही स्कोर आपको दिखाएगा. कम नहीं खेली जाती इंटरनेशनल क्रिकेट आज तक सूरत में नहीं हुई जिस लेवल पर क्रिकेटर्स हैं. पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि 120 से बड़े क्रिकेट लेजेंड एक शहर में इकट्ठे हुए हैं और सूरत की वो खुशकिस्मती है क्योंकि हम सूरत से हमें बहुत प्यार मिल रहा था. तो लास्ट ईयर हम लोगों ने जब शुरुआत की थी हमारी लेजेंड्स लीग क्रिकेट की तो हमारे 5-6 शहर थे जहां पर हम गए थे. हमने कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, कटक, जोधपुर और जयपुर में किया था, लेकिन जो टेलीविज़न की व्यूअरशिप हमें मिल रही थी उसमें गुजरात का बहुत बड़ा रोल था. तो जब हमने उसको इस साल का प्लान किया तो हम लोग आइडेंटिफाई किए कि कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ हम जा सकते हैं जहाँ पर क्रिकेट कम देखा जाता है. तो अहमदाबाद पर बहुत क्रिकेट होता है, राजकोट में होता है, वडोदरा में होता है. तो हमने गुजरात में देखा कि सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ पर फैसिलिटी भी अवेलेबल है लेकिन कम इंटरनेशनल क्रिकेट होता है. तब हम लोगों ने इसका चुनाव किया.